नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 126 और डेली टिप्स के लेक्चर नंबर 19 में हम देखेंगे गूगल शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 और गूगल शीट में जाने के लिए आपको अपना कोई एक ब्राउजर ओपन करना होगा। मेरे केस में मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और आपके सामने कंप्यूटर डिजी क्लास नाम की एक ड्राइव ओपन है। दोस्तों, आपको भी अपनी एक ड्राइव ओपन करनी होगी और वहां पे गूगल शीट बनानी है, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर डिजी क्लास इंफॉर्मेशन नाम की गूगल शीट बनाई थी। तो चलो दोस्तों, वही गूगल शीट को हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने गूगल शीट ओपन है। चलो दोस्तों, अब मेरे सामने जो गूगल शीट है, गूगल शीट के अंदर मेरे सामने तीन ईमेल एड्रेस लिखे हुए हैं। ये तीन पर्सन है, तीनों को मुझे मेरी गूगल शीट शेयर करनी है और तीनों के पास से एड्रेस और मोबाइल नंबर मुझे गेट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा करें कि yog.vyas2328 ये जो बंदा है वही ये दोनों सेल एडिट कर पाए, जबकि ये दोनों के सेल में वो कुछ भी एडिट न कर पाए। वैसे भी BBPS 189 वाली जो ये दोनों सेल है, ये बंदा ये चार सेल में कोई भी एडिट न कर पाए, ऐसा मुझे करना है। तो चलो दोस्तों, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये दोनों सेल को मुझे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके मुझे प्रोटेक्ट रेंज में जाना है। प्रोटेक्ट रेंज में जाऊंगा और यहाँ पे कोई भी नाम दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन रखूंगा, चलेगा। मैंने यहाँ लिख दिया yog.vyas लिख दिया, यानी कि ये रेंज yog.vyas के। सेट परमिशन में जाऊंगा, सेट परमिशन में yog.vyas और कंप्यूटर डिजी क्लास ये दोनों को मैंने टिक मार्क ऑन किया है और यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखो दोस्तों, ये जो है ये दोनों सेल में दो ही पर्सन एडिट कर पाएंगे। कौन? एक ये बंदा और एक ओनर, दो ही एडिट कर पाएंगे। अब जेनिशा व्यास ये दोनों सेल में ही एडिट कर पाए, इस तरह से मुझे करना हो तो राइट क्लिक करना होगा, प्रोटेक्ट रेंज में जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा जेनिशा और सेट परमिशन करूंगा। सेट परमिशन के अंदर yog.vyas को मैं यहाँ से टिक मार्क निकाल दूंगा और या फिर उसके बाद में यहाँ पे डन कर दूंगा। तो डन होने के बाद क्या होगा, ये दोनों सेल में सिर्फ जेनिशा व्यास ही एडिट कर पाएगी और एक ऑनर ऐड कर पाएगा और कोई एडिट नहीं कर पाएगा। चलो दोस्तों, वही शीट को हम देखते हैं yog.vyas वाले ये अकाउंट में लॉगिन होकर हम देखते हैं। चलो, ये अकाउंट में हमने लॉगिन हो गया है, शेयर विथ में जाऊंगा तो कंप्यूटर डिजी क्लास इंफॉर्मेशन नाम की गूगल शीट है, हम डबल क्लिक करके उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमने वो शीट में कहाँ से लॉगिन हुआ है। तो yog.vyas के नाम से लॉगिन हुए है, यहाँ पे जो हमने लॉगिन किया है वो अब हमें देखना है। वर्किंग खत्म होने के बाद हम दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, चेक कर लेंगे। चलो, yog.vyas से हम एड्रेस लिखते हैं सूरत, ये सूरत लिखा, लीव किया, हो गया। मोबाइल नंबर लिखते हैं 9601283434, हमने मोबाइल नंबर लग दिया, लीव कर देंगे, हो गया। लेकिन जेनिशा व्यास वाले जो सेल थे वहां पर अगर मैं लिखना चाहूँ, यानी कि मैं मुंबई लिखना चाहूँ तो नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे अलाउ नहीं है, वो प्रोटेक्टेड रेंज में सिलेक्टेड सेल है, मैं वहां पे कुछ नहीं करता। क्योंकि यहां पे एडिट करने के लिए मुझे ओनर को कांटेक्ट करना होगा, इस तरह से मोबाइल नंबर में मैं कोई मोबाइल नंबर नहीं लिख पाऊंगा। तो इस तरह से आप सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक गूगल शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आप आसानी से देख पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।